ट्वेंटी क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। अब रोने से क्या फायदा, 28 गेंद खेल के बनाएंगे 27 को बाहर करो और इनको चाहिए वर्ल्ड कप। टी20 इनको आज ही खेलना छोड़ना चाहिए। हालांकि मैं तो हमेशा से कहता हूँ रोहित शर्मा को टी20 क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। खेल दो, बाहर करो, बाहर करो, खेल रहा हूँ, बाहर करो सबको, इनको बाहर करो, सबको बाहर करो। और ये बाकी के जो दो तीन है कौन, भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर कुमार पिछले वर्ल्ड कप के बाद बाहर होने चाहिए थे। 152 जो खाए थे, चौका खाया था बाबर आजम को पहली बॉल डाल के डाउन द लेग, इनको बाहर करना। सबसे पहले रोहित शर्मा को बाहर करो। रोहित शर्मा बेकार कप्तान, बेकार बल्लेबाज, पूरा वर्ल्ड कप अपने लिए खेले। जब आईपीएल में कहा जाता था ओपनिंग हटाते हटते हैं ना, जब ऊपर से मालिक का चाबुक आता है, बाहर होते हैं कि नहीं होते, बाहर होते हैं। अब रो रहे हैं, 116 रन कह रहे हैं, आज रो रहे हैं। आप रोना डिजर्व करते हैं अंकित, अरे वो दिखाने के लिए होता है यार, एक्टिंग। रोहित शर्मा एक्टिंग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको फर्क पड़ता होता इंडिया के हार से अंकित, तो ये अपना डाउन नीचे करता। ये सब मतलब नहीं है, क्योंकि इसको पता था मेरा फॉर्म नहीं है, मैं उसके जगह पे अपनी टीम में बोल देता हूं मैं कुछ नहीं होता हूं, फिर भी बोलता हूं ना यार मेरा फॉर्म खराब है, मुझे ऊपर मत भेजो, मैं टीम पे बोझ नहीं बनना चाहता। ये दोनों के दोनों बोझ है, के एल राहुल, रोहित शर्मा, दोनों बोझ है टीम के लिए, बिल्कुल बोझ है। के एल राहुल आज से बोझ नहीं है, किसी बड़े मैच में नहीं, दो साल से बोझ। आपको याद होगा मैं लगातार बोल रहा था, एक रिपोर्ट लगातार, कि जो टीम वर्ल्ड कप हारी, जो टीम एशिया कप हारी, वो एक बार वर्ल्ड कप कैसे जीत जाएगी, कैसे जीत सकते हो आप? जब आपको लंका ने मारा था तो आप भाई साहब, आज आपको किसी को आना चाहिए, मोहसिन पठान कह रहे हैं बीसीसीआई में किसी को आना चाहिए, तो कमेंट्स भी लेते रहते हैं। मोहसिन पठान कह रहे हैं अपूर्व से मुझे समझ नहीं आ रहा, चहल को कैसे बेंच पर बैठाने के लिए लेके गए थे, चहल को बेंच में बिठा रहे थे। आप एशिया कप लेके जाते, कुछ नहीं करवाते, आप यहाँ लेके आते, एक मैच नहीं खिलाते। चहल जो आपके लेग स्पिनर, पिछले डेढ़ में एक साल से जब से रोहित ने कप्तानी की, वो टीम का हिस्सा है। और ये कहा गया था कि पिछले वर्ल्ड कप में चहल नहीं है तो हम हार गए, लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्या किया आपने, पानी की बोतलें भरवाई, आपने ग्लूकोज के पैकेट बनवाए, आपने एनर्जी ड्रिंक बनाई।